सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। वेलकम टू बालाजी स्टडी अड्डा। नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो जैसे कि हम समुच्चय यानी कि जो सेट्स है उसके दो पार्ट अब तक बात कर चुके हैं। पिछला पार्ट सेकंड पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो साइड में आई बटन है उस पर क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे समुच्चय सेट्स का थर्ड पार्ट। इसमें जो है हम हमारा जो समुच्चय टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट कवर कर देंगे। इसके अलावा मैथ की कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं जो पार्ट नंबर 2 में जो है हमने एक क्वेश्चन पूछा था उसका सॉल्यूशन। तो क्या है था हमारा क्वेश्चन? क्वेश्चन हमारा दे रखा था कि a बराबर 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13। इसी के अलावा b बराबर भी दे रखा था 1, 5, 9, 13, 17, 21। और ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था 2017 के पेपर में। इसमें हमने बताना था ए इंटरसेक्शन बी का मान जो है हमें बताना था। तो लगभग सभी लोगों ने जिसने जिसने कमेंट किया था सभी का जो है वो आंसर सही था। तो आंसर इसका ये होगा कि इन दोनों में जो कॉमन होगा वही हमारा उत्तर होगा। तो आप देखिए यहाँ पर 2 यहाँ पर नहीं आया है, 3 जो है यहाँ पर नहीं आया है, 5 जो है यहाँ पर आया है। तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा 5, इसी प्रकार 7 को आप देखेंगे नहीं आया है, 9 को देखेंगे तो 9 दोनों में है कॉमन यानी कि 9 हम यहाँ लिख देंगे। इसी प्रकार आप 11 देखेंगे तो इसमें नहीं है, 13 देखेंगे तो वो भी इसमें है, तो 13 भी साथ में हमारा आ जाएगा। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा 5, 9, 13। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न जो कि आया था BTC DLA थर्ड सेमेस्टर के 2016 के पेपर में। तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार था कि ए का मान जो हमें दे रखा था 6, 8, 11। इसी प्रकार बी का मान हमें दे रखा था 5, 11, 13। और हमें निकालना था ए इंटरसेक्शन बी का मान। ये आया था हमारा BTC DLA थर्ड सेमेस्टर के 2016 के पेपर में। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर पिछले पार्ट्स में आपने समझ लिया है तो आप इजीली तरीके से इसको कर सकते हैं। दोनों में देखिए कॉमन क्या है, वही हमारा इंटरसेक्शन होता है। तो इसमें देखिए केवल 11 जो है आपको कॉमन साफ साफ दिख रहा है, तो हम सिंपल सी भाषा में इसको 11 लिख सकते हैं, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की जो आया था हमारा 2018 के पेपर में। तो देखते हैं क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग लेवल का है जो हमने पिछले दो पार्ट्स में जो है वो बात नहीं किया है। तो इसको बात कर लेते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन 2018 में पूछ लिया गया था, तो देखिए हम यहाँ पर इसको कवर कर देंगे। तो ए का मान हमें दे रखा है 2, 3, 5 और बी का दे रखा है 5, 7, 3 और हमें मान निकालना है ए माइनस बी का। ये हमारा जो है समुच्चय का ही क्वेश्चन होता है और ये आया था BTC DLA थर्ड सेमेस्टर के 2018 के प्रीवियस ईयर पेपर में। इस टाइप के क्वेश्चन देखिए कैसे करते हैं, ए में जो है अवयव हमें दे रखे हैं, बी में हमें अवयव दे रखे हैं। तो हमें ए में ऐसा अवयव देखना होता है जो कि बी में उपस्थित ना हो। सिंपल सी डेफिनेशन या सिंपल सी भाषा में आप इसको ऐसे कह सकते हैं, जिस संख्या में से जिसको घटाना हो रहा है तो जो पहले हमारा आ रहा है उसमें ऐसा अवयव जो कि बी में उपस्थित ना हो वही हमारा ए माइनस बी का मान होता है। अब जैसे यहाँ पर आप 3 देखिए, यहाँ पर भी 3 है, मतलब अगर ए में 3 आ रहा है तो बी में भी आ रहा है, तो हम इसको नहीं लेंगे। इसी प्रकार 5 को देखेंगे तो 5 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो इसको भी नहीं लेंगे। पर 2 एक ऐसी संख्या है ए के अवयव में जो कि बी में जो है वो कहीं नहीं आ रही है, तो यही हमारा ए माइनस बी का मान हो जाएगा। ए माइनस बी का मान हमारा हो जाएगा 2 जो कि ए में स्थित है और बी में नहीं है, यानी कि ए का ऐसा अवयव जो कि बी में स्थित ना हो वही हमारा ए माइनस बी का मान होता है। तो आई होप जो है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए अब बात करते हैं 2018 में ही एक क्वेश्चन जो है वो हल करिए सेक्शन में आया था, सरल कीजिए, वो भी जो है हम इसी
पार्ट में बात कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं उसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन जो है हमारा वो हल कीजिए सेक्शन से था, पर ये जो है इसी में दे रखा है, तो हम आपको साथ ही में बता देते हैं। -12/7 गुणे -14/27 -8/45 गुणे 9/16। और ये जो है हमारा BTC DLED थर्ड सेमेस्टर का जो 2018 है का पेपर, उसमें पूछा गया था। तो सिंपल सी भाषा में देखिए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से काटें हैं, तो हम यहाँ से आपको डायरेक्ट दिखा दे रहे हैं, 7 × 7 7, 7 × 2 = 14, 3 × 4 = 12, 3 × 9 = 27 या 3 × 9 = 27। अब जो है यहाँ पर और किसी संख्या से नहीं कटेगा, इस माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी 4 को 2 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 8/ ये 9 आ जाएगा। ये वाला जो माइनस है, अंदर माइनस लगा है तो ये ब्रैकेट खुलेगा, तो ये अंदर माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं प्लस। इससे संख्या को काटेंगे तो 9 × 1 = 9, 9 × 5 = 45, और इसको काटेंगे तो 4 × 2 = 8, 4 × 4 = 16। और इसके अलावा ये 2 है, 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 4, यानी ऊपर हमारे पास 1 बचा, बटे में हमारा 5 × 2 = 10। 9 और 10 का हम LCM लेंगे तो हमारे पास आएगा 90, 10 को 8 से गुणा करेंगे तो 80, ये वाला चिन्ह प्लस का, 9 को 1 से करेंगे यानी कि 9, तो हमारे पास उत्तर हमारा आ जाएगा 89/90, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये तो जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए थे वो हमने सभी बात कर ली। अब हम एक दो टाइप जो हमारे रह गए थे पिछले दो पार्ट में, उनकी हम बात कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से टाइप जो है हमारे रह गए थे। तो सबसे पहले हम बात करें तो समुच्चय की जो अवधारणा है वो दी थी जॉर्ज कैंटर ने, ये आपको पता होना चाहिए, हो सकता हो बहुविकल्पी में आपके पूछ लिया जाए। और कब दिया गया था? 1890 में। तो जॉर्ज कैंटर ने समुच्चय की अवधारणा सर्वप्रथम 1890 में की थी। तो ये तो हो गई इसकी बात। आगे बात करें तो एक क्वेश्चन आता है हमारा कुछ इस प्रकार की, एक शब्द दे रखा होता है इंग्लिश का, COMMITTI, एक कमेटी, जैसे COMMITTI कमेटी जो है, जिससे कि एक शब्द दे रखा है। तो हमें क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार पूछा जाता है कि कमेटी शब्द के अक्षर समुच्चय को लिखिए। तो हम इसके अक्षर समुच्चय को किस प्रकार लिखते हैं उसको आप समझिए, क्योंकि ये भी जो है काफ़ी पूछा जाता है, अक्षर समुच्चय। तो इसको हम लिखते हैं हमारा वही ब्रैकेट जो हम हमेशा से बनाते हैं, इसमें जो भी जो लेटर होता है वो रिपीट हो रहा होता है उसको हम नहीं लिखते हैं। देखिए यहाँ पर M 2 बार आया है तो हम इसको सिंगल बार लिखेंगे, T 2 बार आया है तो इसको भी हम सिंगल बार लिखेंगे, और इसी प्रकार E 2 बार आया है इसको भी हम सिंगल बार यानी कि वही एक ही बार लिखेंगे। तो देखिए किस प्रकार लिखेंगे, C लिखेंगे कॉमा लगाएंगे, O लिखेंगे कॉमा लगाएंगे, M लिखेंगे कॉमा लगाएंगे, I लिखेंगे कॉमा, T कॉमा और E, तो यही जो है हमारा इसका समुच्चय हो जाएगा। C, O, M, I, T, E, जो भी यहाँ पर रिपीट हो रहा है उसको हम नहीं लिखते हैं। तो इस प्रकार हम अक्षर समुच्चय लिखते हैं। एक और एग्जांपल देख लीजिए जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाए। हमें स्पेलिंग दे रखी है मैथमेटिक्स की, MATHEMATICS, मैथमेटिक्स हमें स्पेलिंग दे रखी है, इसमें हमें अक्षर समुच्चय बताना है। तो आप देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें रिपीट हो रही हैं, MATMAT, ये MATMAT 2 बार आया है तो हम इसको केवल एक बार ही लिखेंगे, यानी कि जब हम इसका अक्षर समुच्चय लिखेंगे तब तो हम उसमें लिखेंगे MATHE, उसके बाद ICS, यानी कि सिंपल सा हमारा हो जाएगा MA, T, H, E और I, C, S, ये हमारा अक्षर समुच्चय हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
अगला क्वेश्चन है हमारा वेन आरेख पर आधारित। जैसे एक कोई समुच्चय दे रखा है, उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस टाइप से संख्याएं दे रखी हैं और लिखा है कि वेन आरेख से प्रदर्शित कीजिए। तो हम सिंपल सा एक गोला बनाएंगे। यहाँ पर अगर एक ही समुच्चय दे रखा है तो इसमें हम जो है वो गिनतियाँ लिख देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हमारा सिंपल सा वेन आरेख से प्रदर्शित हो गया। ये तो बहुत इजी फॉर्म हो गया। क्वेश्चन जो है इससे किस प्रकार से बनते हैं उनकी बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन की बात करें तो इससे कैसे बनता है, जैसे कि हमारा क्वेश्चन दे रखा है, एक समुच्चय दे रखा है हमें ए बराबर 1, 2, 3, 4। इसी प्रकार हमें एक और समुच्चय बी का मान भी दे रखा है, 2, 3, 4, 5। ये हमें दो समुच्चय दे रखे हैं और हमारा ऊपर क्वेश्चन में लिखा रहता है कि वेन आरेख द्वारा इसको प्रदर्शित कीजिए। और वेन आरेख में प्रदर्शित करने में आपको ए यूनियन बी और उसके साथ साथ ए इंटरसेक्शन बी दोनों पर ही जो है आपको प्रदर्शित करना होता है। तो ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी दोनों हम निकालना जानते हैं। तो ए यूनियन बी में हम सबसे पहले आपको प्रदर्शित करके बताते हैं। तो ए यूनियन बी में आप ए और बी अलग अलग हैं तो आप दो गोले बना लीजिए बीच में कट करते हुए। अभी हम ए यूनियन बी में क्या करते हैं, ए के जो अवयव दे रखे हैं और जो बी के अवयव दे रखे हैं उन दोनों को ही लिख लेते हैं और जो दोनों में कॉमन होता है उसको हम नहीं लिखते हैं। तो हम पहले ए यूनियन बी का अगर मान निकाल लें, यहाँ पर हम आपको निकाल के दिखा देते हैं ए यूनियन बी का मान, तो हमारा क्या आ जाएगा, आप यहाँ पर 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे और 5 लिखेंगे। ये हो जाएगा हमारा ए यूनियन बी का मान। इसी प्रकार ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या आ जाएगा, जो कि दोनों में कॉमन हो, तो आप देखेंगे दोनों में 2 कॉमन है, 3 कॉमन है और 4 कॉमन है और जो है कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी का मान आ जाएगा। अब हमें ए यूनियन बी को जो हमारा 1, 2, 3, 4, 5 मान निकला है वो इस वेन आरेख में दर्शाना है। तो हम क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ पर जो सेक्शन है वो ये वाला जो गोला है ये हमें दर्शाता है ए को। यहाँ पर आप चाहें तो ए से दिखा भी सकते हैं। ये वाला दर्शा रहा है हमारा बी को। अब देखिए ये वाला दोनों में कॉमन आ रहा है, ये वाला जो हिस्सा है वो ए का भी भाग आ रहा है और बी का भी, यानी कि ए और बी के जो मान होंगे उन दोनों में जो कॉमन होगा वो वाली संख्या हम यहाँ लिखेंगे। यानी उनमें कॉमन क्या है, 2, 3, 4, यानी हम लिख सकते हैं 2, 3, 4, जो कि ए और बी दोनों में कॉमन है। और बाकी बचा क्या, क्योंकि हमें जो है यहाँ पर इस वेन आरेख में दर्शाना है ए यूनियन बी का मान, यानी हम सभी मान रखेंगे। 2, 3, 4 हम रख चुके हैं, यानी 1 और 5 और लिखेंगे, यानी हम यहाँ लिख देंगे 1 और यहाँ लिख देंगे 5। तो ये जो हमारा फॉर्म हो गया दर्शाने का, ये हो गया वेन आरेख द्वारा ए यूनियन बी। यदि आप इसको छायांकित भाग के आधार पर दिखाना चाहें तो आप चाहें तो ऐसे पूरा दिखा भी सकते हैं। और आप यहाँ पर एरो बना के लिख भी सकते हैं कि छायांकित भाग जो है वो हमारा ए यूनियन बी हो जाएगा। तो आप यहाँ पर दिखा रहे हैं कि जितना ये छायांकित भाग है वो हमारा ए यूनियन बी, यानी कि ए यूनियन बी हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 हमने सभी इसमें दर्शा दिए। अब बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी की, जिसमें हमें 2, 3, 4 दर्शाना है। तो हम इसको कैसे दर्शाएंगे, हम इसको दर्शाएंगे इसी प्रकार जैसे हमने दो गोला बनाए थे। और इसमें हम क्या करेंगे, 2, 3, 4 जो कॉमन था जैसे इसमें हमने लिखा था वो हम यहाँ लिख लेंगे, क्योंकि 3 को 4, क्योंकि 2, 3, 4 जो है हमारा इस ए और बी में जो है वो गोले में कॉमन आ रही हैं और संख्याएं भी हमारी कॉमन है। बचा क्या हमारा 1 और 5, ये तो हमने सिंपल तरीका से दर्शा लिया। इसको हम ए लिख देंगे, इसको हम बी लिख देंगे।
अब हम देखिए हमें ए इंटरसेक्शन बी में जो है इस वेन आरेख में क्या दर्शाना है, हमें दर्शाना है 2, 3, 4, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं हमें केवल इतना भाग दर्शाना है। हमें जितना दर्शाना था हमने उसको रेखांकित इस टाइप से कर लिया था, या जिसको हम छायांकित कहते हैं, तो इसी प्रकार हम इसको भी छायांकित कर लेते हैं। और हमें यही 2, 3, 4 दिखाना है, तो हम इसको एरो दिखा के लिख सकते हैं हमारा छायांकित भाग ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि जो छायांकित भाग है यही हमारा हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। तो इस प्रकार हम दर्शाते हैं ए यूनियन बी या ए इंटरसेक्शन बी को वेन आरेख में। आई होप आपको जो है क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ हमने जो भी टाइप वाइज क्वेश्चन हो सकते हैं या जिस जिस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं सभी की बात जो है टोटल 3 पार्ट में कर ली है। पिछले 2 पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखिएगा, आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी समाप्त होता है और हमारा जो समुच्चय यानी कि सेट्स टॉपिक है वो भी कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब के बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे ज़रूर ऑन कीजिए, जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।